हेलो गाइस, देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जामिनर के एमसीक्यू क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी आने वाली जो परीक्षा है आपके सामने, यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान अदा करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी एग्जामिनर्स और एनसीईआरटी ही आते हैं। और उससे भी आज जो है वो हम सबसे पहला जो आपका चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है आपका? चैप्टर का नाम है सेट। सेट के एमसीक्यू आज हम लोग करेंगे गाइस, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव खुला हुआ है और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक एक। तो सबसे पहला जो आपका एमसीक्यू है उसको ध्यान से देखेंगे आप, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि सपोज कोई हमारे पास एक ए वन है, कोई ए टू है, कोई ए थ्री है, इस तरह हमारे पास 30 सेट्स हैं। सेट्स हैं 30, और हर एक सेट में जो है पांच एलिमेंट्स हैं, यानी कि सेट ए वन जो है उसमें भी पांच एलिमेंट है, ए टू है उसमें भी पांच एलिमेंट है, ठीक है। इस तरह के कितने सेट हमारे पास? 30 सेट्स हैं और हर एक सेट में पांच एलिमेंट है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद बी वन है, बी टू है, इसी तरह कहाँ तक जा रही है? बी एन तक जा रहे हैं सेट्स, ठीक है। और हर एक सेट में जो है वो तीन एलिमेंट्स, यानी कि बी वन में भी तीन एलिमेंट है, बी टू में भी तीन एलिमेंट है, इसी तरह डॉट 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 बी एन तक जा रहे हैं, और हर एक सेट में तीन एलिमेंट्स, ठीक है। दो बातें समझ में आई, ए वन में भी पाँच एलिमेंट है, ए टू में भी, इसी तरह आपका बी वन बी टू सब में तीन तीन एलिमेंट्स हैं। तो ए वन जो है 30 तक जा रहा है, यानी ए का सेट जो है 30 तक जा रहा है, बी का जो है वो बी एन तक जा रहा है। अब इन्होंने लिखा है कि अगर हमारे पास सबको जोड़ रहे हैं, क्योंकि 30 सेट्स हैं, ठीक है, आई से लेकर के वन तक, इस ई यू जो है वो एक समेशन का बताता है, यानी यू मतलब समेशन मतलब जोड़। ई अगर हम इसको बायफर्केट लिखें, यानी कि अगर हम इसको तोड़ के लिखें, इसी इस चीज़ को अगर हम ब्रेक करके लिखें, तो कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको लिखेंगे ए वन, ठीक है, इसको लिखेंगे ए टू, ठीक है, और इसको लिखेंगे ए थ्री, ऐसे करके। और जोड़ते हुए कहाँ तक जाएंगे? जोड़ते हुए हम लोग जाएंगे ए 30 तक, ऐसे करके जोड़ते हुए जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी इसी चीज़ को दर्शाता है, यानी इसको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये जे की वैल्यू वन से लेकर के कहाँ तक गई है? एन तक गई है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास बी वन, ठीक है, फिर हो जाएगा बी टू, ठीक है, इसी तरह डॉट 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 बढ़ते हुए कहाँ तक जाएंगे हम लोग? बी एन तक जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट फॉर्म है किसी चीज़ को सम, किसी नंबर्स के सम को दर्शाने का शॉर्ट फॉर्म। अब लिखा है कि ईच एलिमेंट ऑफ एस, यानी एस में जितने भी एलिमेंट्स हैं, बिलोंग्स टू द एग्जैक्टली टेंस ऑफ हिस एज, यानी कि जैसे ए वन में अगर हम बात करें, हम बात कर रहे थे कि ए वन में हमारे पास पांच एलिमेंट हैं, और पांच हर एक एलिमेंट जो है वो 10 तरह से है, यानी कि एक एलिमेंट पांच 10 प्रकार से है, इनका कहने का मतलब ये है। सेम उसी प्रकार से यानी बी के हर एक सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो एक एलिमेंट 9 प्रकार का, यानी एक एलिमेंट 9 तरीका से उसके अंदर है, ठीक है। जैसे मैं अगर अब बात करूं, यहाँ से बात को समझना, जैसे मैंने बोला कि ए वन है, ठीक है, ए वन में कितने एलिमेंट है? पाँच। तो पाँच एलिमेंट, जैसे हम पाँच का पाँच एलिमेंट हम मान के चलो लेते हैं, जैसे हमने एक यहाँ ले लिया, एक दो ले लिया, एक तीन ले लिया, एक चार ले लिया, एक पाँच ले लिया, ठीक है। ए वन में पाँच एलिमेंट है, जैसा कि मैंने कहा, अभी बोल रहे हैं कि हर एक एक एलिमेंट 10 बार आया हुआ है, यानी कि ए जो है वो कितनी बार आया? 10 बार। इसी तरह टू जो है वो कितनी बार आया? 10 बार। तीन जो आया वो भी कितनी बार आया? 10 बार। यानी कि पांच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट 10 बार आया है, ठीक है, बस समझ भाई। इसी तरह बी में, बी के हर एक सेट में तीन एलिमेंट हैं, लेकिन एक एलिमेंट 9 बार रिपीट हुआ है। कितनी बार रिपीट हुआ है? 9 बार। यहाँ तक आपको बात समझ भाई, ठीक है। तो आप देखिए, इन्होंने बोला कि फिर हमारे पास बी के कितने ऐसे सेट होंगे। चलो तो अब इसका आंसर निकालते हैं, बहुत आसानी से इसका आंसर निकलेगा। देखिए मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं मिटाते जाऊंगा, आप अपना देख लेना, थोड़ा सा बढ़िया से नोट डाउन कर जाना वीडियो रोक। तो देखो, तो अब हम बात करते हैं इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो कितने सेट हैं हमारे पास? 30 सेट हैं, और हर एक सेट में कितने एलिमेंट हैं? पाँच हैं, और हर एक एलिमेंट जो है वो 10 बार क्या कर रहा है बच्चों? रिपीट कर रहा है, जैसा कि इन्होंने कहा। और ये किसके बराबर है? ये बी वाले के बराबर है, ठीक है, किसके बराबर? बी। तो बी के कितने सेट हैं? बी के एन सेट हैं, और हर एक सेट में कितने एलिमेंट हैं? तीन एलिमेंट हैं, और हर एक एलिमेंट जो है वो 9 बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते थे, तो ये 3 से 3 कटेगा 3 बार में, ठीक है, और इसको काट दे रहे हैं 5 से, ये कटेगा 2 बार में, इसको काट दे रहे हैं 15 बार में, ठीक है, और ये 15 जो है वो 3 से गुना हो जाएगा, एन की जो वैल्यू है वो आ चुकी है हमारे पास 40, ठीक है।
है, क्या चुकी 45। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इसके नीचे का, देखिए क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है गाइस बच्चों कि दो सेट्स से हैं हमारे पास, दो फाइनाइट सेट हैं। फाइनाइट सेट उनको कहते हैं जिनमें एलिमेंट की संख्या क्या हो, एग्जैक्ट हो, मतलब उनमें की उनके एलिमेंट की संख्या को हम गिन सके, उनको फाइनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। तो दो हमारे पास फाइनाइट सेट हैं जिसमें एक में एम और एक में एन, एक एक सेट में एम एलिमेंट्स हैं, एक सेट में एन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यानी दो सेट्स हैं, जैसे हमारे पास कोई सेट ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास कोई एक सेट है ए जिसमें एम एलिमेंट है और कोई सेट है बी जिसमें हमारे पास एन एलिमेंट है, ठीक है। तो लिखा है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज, यानी पहले सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकेंड सेट। यानी कि पहले सेट में जो भी एलिमेंट है उनकी संख्या दूसरे सेट यानी कि सेट बी से 112 क्या है, ज़्यादा है। कहने का मतलब ये कि सेट ए में यानी कि नंबर ऑफ सेट ए, ठीक है, वो कितने हैं, वो नंबर ऑफ सेट बी से कितना ज़्यादा है, तो 112 ज़्यादा, ऐसे करें। यानी कि इस, हाँ, इसमें जो है 112 है बी से, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब बात ये आती है कि हम नंबर ऑफ सेट निकालने का, हमारे पास नंबर ऑफ लिमिट्स निकालने के लिए सेट फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है 2 का पावर, यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर m और ये हो जाएगा 2 का पावर n, क्योंकि a में हमारे पास, सॉरी यहाँ पर, अच्छा a में हमारे पास m एलिमेंट है, तो यहाँ पर m लिखो a के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर m लिख लेते हैं, मिटाओ, ठीक। a में हमारे पास जो है वो m एलिमेंट है, तो यहाँ लिख लेते हैं m, और इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट है, तो n, यहाँ पर लिख लेते हैं 100। अब देखिए बच्चों, हमको देखना ये है कि इसमें एक तो आंसर हमारा एम का है हर एक ऑप्शन में, और दूसरा आंसर जो है वो एन का है। एक आंसर एम का है और दूसरा आंसर क्या है, एन का है। तो अब करना क्या है, हमको करना ये है कि हमको ऑप्शन से पुट करना है। पुट करेंगे किसकी वैल्यू, पहले एम की वैल्यू, ठीक है, फिर हमारे पास एन की वैल्यू। लेकिन अब देखो यहाँ से हम ऑप्शन भी इलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पर ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों का बेस क्या है, सेम। तो जाहिर सी बात है कि इस 2 का बेस जो n है, यहाँ जो 2 का पावर बेस m है, सॉरी 2 का पावर जो m है, इसमें क्या ऐड किया गया, 112 ऐड किया गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि m की वैल्यू बड़ी होगी और n की वैल्यू क्या होगी, छोटी। तो यहाँ पर देखो m का वैल्यू जो है वो 4 है, n की वैल्यू 7 है, तो ये आंसर तुम्हारा होगा नहीं, ठीक है, ये आंसर भी होने नहीं जा रहा और ये आंसर भी नहीं होने जा रहा। क्यों नहीं होने जा रहा, क्योंकि यहाँ पर m और n दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर यहाँ पर 2 का पावर 7 रखे हैं, 2 का पावर 7 रखे हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया, तो बराबर कहाँ से हुआ, इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म, इसलिए ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू 4 है, यहाँ m की अगर हम 2 का पावर 4 लिखेंगे और यहाँ 2 का पावर 7 लिखेंगे, उसमें 112 जोड़ेंगे, तो वो तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, बराबर तो होगा नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो, गलत। तो ऑप्शन बचा कौन सा, बी। तो ऑप्शन से भी इलिमिनेट करके आप बच्चों इसको बना सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है, मैं इसको मिटा दूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इन क्वेश्चंस को जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक प्रकार से मैं आपको ऑप्शंस को करने का एक तरीका भी बताते जा रहा हूँ, आप क्या करना, ऑप्शन को कैसे करना है ये भी आप समझो, ठीक है, और साथ में क्वेश्चंस को करते हुए जाना, अपने से भी थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा मिटा करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर इसके बाद आएगा 31। देखिए क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन तो शायद आपको दिख रहा होगा गाइस, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 31 में इन्होंने कि दो कोई एक सेट है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट फिर यूनियन है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर में, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, फिर उसके बाद क्या गाइस, हॉल कॉम्प्लीमेंट है, फिर यूनियन, फिर क्या है बी, फिर इंटरसेक्शन सी, ऐसे करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप क्या करें, एलिमेंट लेट कर ले सेट के अंदर, ठीक है बच्चों, क्या करो आप सेट के अंदर जो है एलिमेंट लेट कर लो, तो आपका बहुत आसानी से जो है वो बन जाता है। नहीं तो अदरवाइज एक तरीका और भी है इसको करने का, जैसे
एक फार्मूला भी होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ, आपने डी मॉर्गन लॉ भी पढ़ा होगा, डी मॉर्गन लॉ से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, देखो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है। डी मॉर्गन लॉ कहता है जैसे हमारे पास ए, ठीक है, ए यूनियन बी, अगर इसका हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है तो क्या हो जाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे हो जाता है, समझ भाई। और अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो वो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो अंदर में होता है जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है इधर। ठीक है, ये डी मॉर्गन लॉ कहता है। तो अगर इसके हिसाब से हम ब्रेक करें तो इसके हिसाब से भी हम चीज़ों को ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि जो पहला वाला पार्ट हमारा लिखा हो इसके अंदर उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो कैसे, ठीक है, कैसे ब्रेक करेंगे आप देखते हैं। ये जो पार्ट है इसको इसको ब्रेक करेंगे, देखो क्या लिखा है हमारे पास, यहाँ लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन, यहाँ लिखा हुआ बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और उसका ऊपर का कॉम्प्लीमेंट, क्या आंसर हो जाएगा बताओ। इसका आंसर हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा, एक एक कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एक कॉम्प्लीमेंट ऊपर से आ गया, ठीक है। और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा सेट में कि किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट है उसका भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सेट पुनः हमको मिल जाता है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा यूनियन और यहाँ आ जाएगा बी, ऐसे करके, यानी इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर जो है वो हम लिख सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहाँ हो जाएगा यूनियन बी, ठीक है, और यहाँ इसको ऐसे कर ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो, ठीक है, यहाँ भी यूनियन है और यहाँ हो जाएगा आपके पास बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे कर, ठीक है, यहाँ तक बात आई, होप आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो क्या, अब उसके बाद क्या करना आपको, मैं ऊपर वाली लाइन को मिटा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। लाइन को मिटा दे रहा हूँ, जगह मेरे पास इनफ। अब देखो ये इस पार्ट को मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, देखो कैसे मैं लिखूंगा, मेरे पास तो एक कॉम्प्लीमेंट है ही, ठीक है, इसको यहाँ यूनियन है, इसको मैं लिख रहा हूँ बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ब्रेकेट लगाया, यहाँ मेरे पास ये है, ठीक है, और यहाँ पर है बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे करके मैंने क्या क्या कि जो बी है, ठीक है, ये जो बी है, इस बी को हमने कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिखा क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो पुनः हमको मिल जाता है, ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसा ना भी लिखना चाहो तो भी आप इसको, मैं अगर मैं इसी के बारे में बात करूँ इसको, तो यहाँ से डायरेक्ट एक फार्मूला बनता है आपका, ठीक है, वो फार्मूला क्या बनता है आपका, वो बनता है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन बी, क्या बनेगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बात ये आती है कि सर ये तो आपने बनाया, हम कैसे करेंगे, हमको तो समझ में नहीं आया। तो इसको करने का बहुत आसान तरीका है बच्चों, वो क्या है, वो ये है कि आप क्या करो, सेट ए लेट करो, सेट ए में जैसे मान के लो आपने 1 2 3 ऐसे करके कुछ एलिमेंट लेट करिए, ठीक है, उसी प्रकार से सेट बी लिखो, सेट बी में जैसे मान चलो आपने 2 लिखा 3 लिखा कुछ भी लिख लो, और एक सेट सी लिखो जिसमें आपने 3 लिखा, ठीक है, यहाँ 2 लिख लो, यहाँ 4 लिख लो, ऐसे करके एलिमेंट लेट करो, और जो यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं इनको आप सॉल्व करो, ठीक है, इनको क्या करो, सॉल्व। तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपके इस ऑप्शन से क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा, यानी फिर ऑप्शन को भी सॉल्व करना तो ऑप्शन से मैच कर जाएगा, तब वो आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका आंसर। तो मैंने बच्चों अभी आपको 3 क्वेश्चन बताए, ये 3 क्वेश्चन का फीडबैक मुझे देना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, तो मैं आपको आगे जो है वीडियो क्वेश्चंस जो है वो इसके कराऊंगा, तो आपका फीडबैक जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए आप मुझे फीडबैक देना कि सर और आगे कराइए तो हम और आगे आपको कंटिन्यू कराएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ।